राजनीति के अलावा और कुछ है ही नहीं। देखिए, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया हो, प्रियंका गांधी जी के हस्बैंड वाड्रा जी को बुलाया हो, सोनिया जी को ईडी ने बुलाया हो, या राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने का मामला हो, या किसी भी विपक्षी नेता की बात हो, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और इसलिए इस तरीके के कदम उठा रही है। एक शायर ने कहा था कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, तमसील माने मिसाल, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। लेकिन हम उस नेता के अनुयायी हैं जिसे राहुल गांधी जी कहते हैं, प्रियंका गांधी कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी कहते हैं, कि हम डरते नहीं। तो सर, लेकिन आज अबू आजमी के भी ठिकानों पर ईडी का छापा लगा। अभी देखिए किसका नंबर लगता है जी। अभी देखिए किसका नंबर लगता है। आप ज़्यादा मुझसे बुलवाएंगे कल मेरे यहाँ छापा लग जाएगा। क्या लग रहा है ये 2024? मैं डरता नहीं। क्या लग रहा है 2024 के अगड़ने हो सकते हैं? सीधा लग नहीं रहा है, सीधा है। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित चुनाव है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठजोड़ क्या वहाँ पे हो सकता है? अभी अर्ली है, थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या लग रहा है आपको कि इंडिया गठबंधन की वजह से दबाव, क्योंकि फिल्मी एक्टर्स पर भी ईडी के छापे और वो सारी, जो इंडिया गठबंधन की तरफ देखेगा सपोर्ट तो बात की बात है, उसके ऊपर इस तरीके से शिकंजा कसा जाएगा।